बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से, और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सहरा बौद्ध जी और राखी रावण जी, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो पूरे देश में बहुजन समाज को और खासतौर से महिलाओं को जगाने का काम और संविधान के प्रति जागरूक और बाबा साहब की विचारधारा के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे डॉक्टर सहरा बौद्ध जी से। डॉक्टर साहब, जो बाबा साहब के मिशन को बहुत सारे लोग चला रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में, तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को आपके अपने और हमारे अपने चैनल के माध्यम से आप हमको बताएं कि बाबा साहब का जो मिशन है वो है क्या, और किस तरह से हम अपने बहुजन समाज को बदल सकते हैं या उनको आगे ले जा सकते हैं, या जो बहुजन समाज से महिलाएं हैं, या महिला तो हम सभी महिलाएं कह सकते हैं आप, जो कहीं ना कहीं शिकार इस देश में आज भी है, तो आप थोड़ा उस पर आप हमारे बहुजन समाज के दर्शन। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा साहब के मिशन के बारे में बात की जा रही है। पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दीवाना है, खासकर हमारा समाज। लेकिन मैं सभी भाइयों से, बहनों से, अपने समाज के लोगों से, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से खासकर ये उम्मीद करता हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन क्या है, वो क्या चाहते थे, और पूरी जिंदगी जो उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उनका अल्टीमेट एम क्या था। जब तक हमें ये पता नहीं होगा, हम अलग अलग तरह से लड़ते रहेंगे। कोई राजनीति को बताएगा, कोई शिक्षा की बात करेगा, कोई और किसी मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन क्यों, हमें ये पता होना चाहिए कि बाबा साहब का मिशन क्या है। बाबा साहब का मिशन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, जो बहुत सारे विद्वान लोगों ने बताया है, वो है हम लोगों को स्वाभिमान और सम्मान दिलाना। हमारी 2,500 सालों तक, जब तक मनुस्मृति रही, हमारे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। नंगे रहते थे, कोड़े बरसते थे, माँ बहन की इज्जत रुकती थी, मैली खाते थे, मरे हुए जानवर का मांस खाते थे, कुल्हड़ बनता था, पीछे झाड़ू बनता था, और ना जाने कितने कितने जुर्म उनके ऊपर होते थे। शिक्षा से विरत रखा गया, संपत्ति से विरत रखा गया, और जितने भी अधिकार एक आम आदमी को होने चाहिए उनमें से कोई भी नहीं था। और यही नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी एक जानवर से भी बदतर थी। हमारे जितने भी पुरखे 60-70 पीढ़ियां जो 2,500 में मरे चले गए हमें छोड़ के, उनके पास कुछ था या नहीं था वो एक अलग विषय है, लेकिन मेन चीज थी कि उनके पास स्वाभिमान और सम्मान नहीं था, और स्वाभिमान और सम्मान को ही कुचला गया। जो ऊपर के तीन वर्ण थे, खासकर तीन वर्ण, ब्राह्मण, अक्षत्रिय और वैश्य, उन्होंने शूद्रों और हमें अति शूद्र कह के हम लोगों को कुचला गया। इतनी बुरी तरह से कुचला गया कि जानवर भी इतने जो है बुरी तरह से आदमी नहीं कुचलते हैं, रहम की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, और हम लोगों को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया। हमारी जो मानवता है वो भी मिट्टी में मिल गई, और बड़ी शर्म से हम लोग जिए, बड़ी मुसीबतों से हम लोग जिए, बड़ी मुश्किल से। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बना, उससे पहले जो मनुस्मृति थी उसमें जितने भी अत्याचार हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान के अंदर ना सिर्फ उनको खत्म किया, बल्कि हम लोगों को पूरी बराबरी के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरी इज्जत के साथ, पूरे धनवान बनने के साथ, पूरे सब अधिकार देने के साथ
बाबा साहब ने हमको उस लेवल पे लाए बाबा साहब। अब सवाल इस बात का उठता है कि हम लोग यदि ये कहें कि हमें सम्मान स्वाभिमान और सम्मान मिलना चाहिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्वाभिमान और सम्मान को देने के लिए पाने के लिए कौन सी चीजें हैं जो हमें सशक्त बनाती हैं। यदि हम सशक्त नहीं बनेंगे तो सिर्फ संविधान उसमें काम नहीं करेगा, बल्कि हमें अपने ऊपर भी देखना पड़ेगा। तो जो पांच चीजें मैंने नोट की हैं वो है, पहली है शिक्षा। हम जितने शिक्षा ग्रहण करेंगे उतना हमारा स्वाभिमान ऊपर उठने की गुंजाइश है, ऊपर उठने के हमारे पास एक ओहदा है, ऊपर उठने के हमारे पास एक हथियार बनेगा। दूसरा है सामाजिक बराबरी। हम लोग ना केवल दूसरों से सामाजिक बराबरी चाहेंगे, बल्कि अपने लोगों के साथ भी हम सामाजिक बराबरी करेंगे। बाबा साहब ने जब लड़ाई लड़ी तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि मेरे जितने भी लोग हैं सब लोग जाति प्रथा और मनुस्मृति और आपके जो कहने में वर्ण व्यवस्था, इससे पीड़ित हैं, इससे पीड़ित हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि हम लोगों को बराबरी आपस में तो करनी चाहिए, और उसके लिए हमें जो है एक शादी जो है इंटरकास्ट मैरिज और इंटर डाइनिंग ये करना चाहिए, मतलब आपस में बैठ के खाएं, आपस में बैठ के शादी करें। मैं कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे ब्राह्मण के साथ शादी करते हैं, क्षत्रिय के साथ शादी करते हैं, बड़ियों के साथ शादी करते हैं। ठीक है, यदि उनको ये शिकायत है तो मुझे ये शिकायत है हम अपने नीचे वालों के साथ या अपने बराबरी वालों के साथ या शेड्यूल कास्ट में आने वाले जो 400-500 कास्ट हैं उसमें क्यों नहीं करते, जाति को क्यों नहीं तोड़ते। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि जो चीज़ हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि जाति टूटे, जो हम दूसरों से कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था टूटे, जो हम कह रहे हैं कि जाति भेद टूटे, पहले हम तोड़े। जब तक हम नहीं तोड़ेंगे हमारा समाज नहीं बनेगा। ब्राह्मण एक समाज है, अक्षत्रिय दूसरा समाज है, बनिया तीसरा समाज है, लेकिन जो उसके नीचे वाले हैं चाहे शूद्र हैं चाहे अतिशूद्र हैं, उनके हजारों समाज बने हुए। कोई जो है वाल्मीकि समाज कहता है, कोई जाटव समाज कहता है, जाटों में कोई चमार बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इन सब चीज़ों को हमें तोड़ना होगा, तभी हमारा संगठन बन पाएगा। संगठन कई चीज़ों से बनेगा। पहली बात तो हम जाति को तोड़ेंगे, और दूसरी बात ये हमारी विचारधारा एक होनी चाहिए, और वो विचारधारा है बाबा साहब की, वो विचारधारा है भगवान बुद्ध की। जब तक भगवान बुद्ध की विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा में हम नहीं गुजरेंगे, नहीं उस पर चलेंगे, तब तक हमारा संगठन बन नहीं सकता। और यही कारण है कि आज 10 लाख से ज्यादा पूरे भारतवर्ष के अंदर संगठन बने हुए हैं, और सब अपने जेब में संगठन को रख रहे हैं, और उनमें ठनाठन हो रही है, यानी आपस में जूतेबाजी हो रही है, क्योंकि उनका जो मिशन है, उनकी जो मान्यता है, उनका जो बेस है वो धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है। उनका मिशन जो है बाबा साहब का, उनका उद्देश्य जो है बाबा साहब के मिशन पर चलना नहीं है, इसलिए वो हम लोग मात खा रहे हैं। तो मैंने बताया कि पहला शिक्षा को मजबूत करना है सशक्त बनने के लिए, दूसरा सामाजिक बराबरी को सशक्त करने के लिए रखना है, तीसरा है राजनीति। राजनीति जैसे बाबा साहब ने एक बार कहा भी था कि राजनीति सब कुंजियों की, सब तालों की चाबी है, सब तालों की चाबी है। चलो हम ये बात मान लेते हैं, और ये बात बाबा साहब ने कही तो कुछ सोच के ही कही होगी, लेकिन राजनीति में भी हम लोगों को ऐसा लोगों को भेजना है, चुन के भेजना है जो हमारी बात को रखें। आज क्या हो रहा है, कोई विधानसभा में MLA या कोई पार्लियामेंट में MP या मिनिस्टर हमारी बात को नहीं रखता। मैं मिनिस्टर के साथ करीब 20 बार पार्लियामेंट गया, ऊपर बैठता था ऑफिसर्स गैलरी में, अपने जो डिपार्टमेंट है उसकी समस्याओं को लेते थे, लेकिन मैंने एक भी आदमी को, अपने जाति के एक भी आदमी को, अपने अनुसूचित जाति के एक भी आदमी को ये अपने लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर बोलता नहीं देखा। हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं उस पर बोलता नहीं देखा, हमारी क्या प्रॉब्लम से उत्पन्न बोलता नहीं देखा, हमारे अधिकार कैसे छिन रहे हैं, छीने जा रहे हैं इनडायरेक्टली उन पर बोलता नहीं देखा, PPP जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उस पर बोलते ही नहीं देखा, यानी हमारे लोग नहीं बोलते। और तब मुझे बाबा साहब की बात याद आती है, बाबा साहब कहा करते थे कि हमारे जो MP MLA हैं इनका मुंह, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं इनका मुंह एक ही बार खुलता है, और कब खुलता है, जब इन्हें जम्भाई आती है।
तो दोस्तों राजनीति तीसरा, चौथे जो सशक्त होने की हमारी संभावना है वो है हमारा अर्थ, हमारी इकोनॉमिक पावर, हमारा धन कमाना। तो आज की डेट में जब हमारे रोजगार छिनते जा रहे हैं, सब प्राइवेट होते जा रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं करना है और अपनी जमीन को भी नहीं बेचना है और हमें जो है छोटे छोटे उद्योग भी करना है, चाहे आप फल बेचने का उद्योग करो, कपड़ा बेचने का उद्योग करो, कोई भी उद्योग करो जो आपके लायक हो, जो आपकी पूंजी में आता हो, तो वो भी करना है, ताकि जो आदमी जितना मजबूत होगा धन से वो लोग, मैं एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कहने जा रहा हूं लेकिन सच्चाई है, वो पुलिस को भी खरीद लेते हैं और वो लोग जो है आपके जजों को भी खरीद लेते हैं जिनके पास पैसा होता है। और पांचवी चीज जो सबसे छोटी नजर आती है लेकिन बाबा साहब की डायरेक्टरी में, बाबा साहब की भाषा में, बाबा साहब के मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है संस्कृति और सम्मान, संस्कृति और संस्कृति यानी धर्म। धर्म बाबा साहब ने ये बताया कि लंदन के अंदर जब गोलमेज सभा हुई 1930, 1931 और 1932 में, बाबा साहब ने इस बात पर जोर दिया कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं। इसलिए उन्होंने दो बात की डिमांड रखी। पहली डिमांड थी कि मेरे लोगों की अलग से पहचान होनी चाहिए, जैसे सरदारों की है, जैसे क्रिश्चियंस की है, जैसे मुस्लिम की है या दूसरे धर्मों की है। और दूसरी बात ये कि मेरे लोगों के लिए जो आरक्षित सीट है उन पर दो मत का अधिकार होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी मेरे जो लोग चुन के जाएंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसको मेरे लोग ही वोट देंगे, दूसरे लोग नहीं देंगे। और जो जनरल का आदमी वहां से खड़ा होगा, एक सीट से दो तरह के लोग खड़े होंगे, जनरल से सीट खड़ा होगा, उसको हम सब लोग वोट देंगे। कारण क्या है कि हम सदियों तक ब्राह्मण के पैर छूते रहे, बड़ियों के पैर छूते रहे, राजपूतों के पैर छूते, जब वो हमारे ऊपर आधारित होंगे, हमारी वोट से चुने जाएंगे, तो हमारे पैर छुएंगे और सामाजिक समता आएगी। तो दोस्तों ये पांच चीजें ऐसी हैं जिसको बहुत जरूरी करना है। अब मैं छोटी सी बात एक और कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। एक चीज ये है कि हमारे अंदर जो कमी है, अब हम दूसरों में कमी निकाल रहे हैं, ब्राह्मणों में कमी निकाल, एक्चुअली बाबा साहब की लड़ाई ब्राह्मण से नहीं थी, ब्राह्मणवाद से थी, ये ध्यान करने की बात है। हम किसी इकले ब्राह्मणों में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, और आपके राजपूतों में, बड़ियों में ऐसे बहुत सारे लोग, वीपी सिंह के उदाहरण है हमारे यहाँ, वो कैसे प्रधानमंत्री बने, सबका भला चाहते थे, खासकर गरीबों का, छोटी जाति का भला चाहते थे, बाबा साहब को भारत रत्न भी उन्होंने दिया। तो हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है, और यदि ब्राह्मणवाद हमारे अंदर भी है तो हम भी उसके भागीदार हैं, उस दोष के भागीदार हैं। जैसे मैंने बताया हमें अपने अंदर भी इसको जाति पाति को खत्म करना चाहिए, सदा के लिए खत्म करना चाहिए, तभी हमारा संक्रमण बनेगा। और ये बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संकट बनो, संघर्ष करो, तभी हमारा संघर्ष सफल होगा। नहीं तो एक जाति एक तरह का संघर्ष करेगी, दूसरा दूसरी तरह करेगी, कोई किसी के किसी की पूजा करेगा, कोई किसी की पूजा करेगा, उससे काम चलेगा नहीं। सबको बुद्ध का धर्म अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का धर्म है बुद्धि का धर्म, बुद्ध का धर्म है सबके कल्याण का धर्म, इसलिए वो बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों चार चीजें और मैंने नोट की है जो हमारे समाज को खाए जा रही, खोखला बना रही है। पहला है शराब। हम लोग गांव गांव, बस्ती बस्ती, घर घर, हमारे घर तबाह हो रहे हैं, हमारे लोगों की जमीन बिक रही है, हमारे लोगों के घर बिक रहे हैं, हमारे लोग सड़क पे आ गए हैं, बीवी बच्चों की चुटिया फाड़ के, औरतों की चुटिया फाड़ी जा रही है, बच्चों का पैसा जो एजुकेशन में लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है, इसलिए हमारे संस्कार भी खत्म हो रहे हैं और हमारी जो है आगे की सोच भी खत्म हो रही है और हमारी उन्नति भी खत्म हो रही है। इसलिए सबसे पहला काम, और मैं सरकार से, चाहे बहन मायावती की सरकार आए चाहे किसी और की सरकार आए, मैं कहूंगा कि गांव गांव में जो ठेके खोले गए इनको बंद करना चाहिए। यदि दूर बहुत दूर किसी को जाना, दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा तो वो लोग नहीं पिएंगे, इतना नहीं पिएंगे जितना आप पी रहे हैं। हर गाँव के अंदर ठेके बना दिए, बहन मायावती के टाइम में भी क्षेत्र की बनी, बड़ी दुख की बात है। तो हमें जो कमजोरी है उसे कहना चाहिए। दूसरी बात, शराब छोड़ना चाहिए, नशा छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि वो है, दूसरी बात है हमारी बच्चों की, हमारे हर घर के अंदर और कुछ मिले ना मिले ढेर सारे बच्चे जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर हैं या उनके ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं बच्चे भगवान की देन है,
और अपने घर में एक के बाद वो नसबंदी कराते हैं या बच्चे को रोक देते हैं और हमें कहते हैं कि बच्चे भगवान के देन है और हमने धड़ाधड़ बच्चे बना रखे हैं। एक मजदूर के यहाँ जब बच्चे होते हैं तो मजदूर और मजबूर बनता है और ऊपर वाले की जो मनसा है वो बड़ा खुश होता है कि इन कमीनों के घर में, इन गरीबों के घर में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए तो मुझे मेरी फैक्ट्री चलाने वाले सस्ते मजदूर मिलेंगे, मेरी नाली साफ करने वाले सस्ते मजदूर मिलेंगे, मेरी टट्टी उठाने वाले सस्ते मजदूर मिलेंगे, मेरे और बहुत सारे निम्न काम करने वाले सस्ते मजदूर मिलेंगे। तो हम ऐसा ना करें, अपने परिवार को छोटा रखें। जो हम दूसरों की नकल कर रहे हैं तो इस बात में हम क्यों नहीं नकल कर रहे, उनके यहाँ किसी की 20-20 फैक्ट्री है फिर भी बच्चा एक है और हमारा 1-2 बीघे खेत है वो भी बिक रहा है, उनकी शादी में बिक रहा है, उनकी शराब में बिक रहा है या और कुछ काम करते उसमें बिक रहा है। तो हम खुद ही गरीब होते जा रहे हैं, खुद ही दूसरों के अधीन होते जा रहे हैं, खुद ही जो है गुलाम होते जा रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं। तीसरी चीज है कि हम लोगों पर शिक्षा का ध्यान देना चाहिए, खासकर इंग्लिश की शिक्षा। हमारे बच्चे इंग्लिश वगैरह वगैरह में बहुत कमजोर हैं, साइंस में बहुत कमजोर हैं, इसलिए उनकी शिक्षा पे ध्यान जब जाएगा जब हमारी इकोनॉमिक पावर थोड़ी सी अच्छी होगी, जब हम शराब नहीं पिएंगे, कम बच्चे रखेंगे। यदि हमारे घर में एक बच्चा है तो गवर्नमेंट की नीति है कि उसको जो है लोन दिया जाए, लोन दे के उसको हायर स्टडी के लिए भेजा जाए और जब बच्चा सेट हो जाएगा तो इंस्टॉलमेंट में वो लोन वापस होगा। तो ऐसी चीजों को हमें ध्यान करना चाहिए। और चौथी चीज है अज्ञानता। हम उन लोगों को पूज रहे हैं, ये इतिहास ही नहीं, आप हर चीज की, हर देवी देवताओं की जड़ तक जाकर देखिए, जिन लोगों ने हमारे राजाओं के, हमारे मुनियों के, हमारे बड़े लोगों के गले काटे हैं, जनता के गले काटे हैं, उन लोगों की पूजा हम लोग अनभिज्ञ होकर कर रहे हैं क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। इसलिए मेरा सभी लोगों से यह अनुरोध रहेगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन अम्बेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुत करता गौतम रत्न। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।